उप जिला अस्पताल सुंदरबनी में सड़क हादसे में घायल हुए मरीजों को अस्पताल की दयनीय स्थिति के चलते तपती गर्मी में बिना बिजली के ही रहने को मजबूर होना पड़ा। अस्पताल में जहां बिजली बंद थी, वहीं जनरेटर भी खामोश पड़े हुए थे, बावजूद इसके कि वहां पर सड़क दुर्घटना के शिकार लोग और अन्य मरीज हैं। अस्पताल की दयनीय स्थिति ऐसी थी कि घायल बिना पंखे के तेज गर्मी में रहने को मजबूर थे, लेकिन अधिकारियों ने जनरेटर शुरू करने की कोई जहमत नहीं उठाई। कुछ मीडिया वाले, जिन्होंने मरीजों की पूरी दशा को अपने सेल फोन में कैद कर इसे वायरल कर दिया, उन्हें वीडियो बनाते देख बीएमओ भटक उठा और उनसे कहने लगा कि आप अस्पताल के परिसर में वीडियो फुटेज बनाने की हिम्मत कैसे कर सकते हैं, इसे रोको वरना आपको अस्पताल के बाहर फेंक दिया जाएगा। इस लोगों को सुंदरबानी उपजिला अस्पताल में लाया गया और चार लोग जो थे उनको जम्मू जो मेडिकल कॉलेज है वहां पर रेफर किया गया। वहीं जब मरीजों को सुंदरबनी अस्पताल में लाया गया तो मीडिया के लोग जो थे वो वहां पहुंच गए और वहां पर उन्होंने देखा कि ना ही वहां पर पंखे चल रहे थे और ना ही वहां पर लाइट थी। इस बारे में जब मीडिया के लोगों ने बीएमओ सुंदरबनी डॉक्टर रघुवीर को फोन किया तो उन्होंने फोन पर पहले अभद्र भाषा का प्रयोग किया, उसके बाद वो लोग नीचे आए और मीडिया के जो लोग थे उनको ये बात बोली गई, उन्होंने ये धमकाया कि आपके पास परमिशन नहीं है, अगर आज के बाद आपको यहां आना होगा तो डायरेक्टर जा हमारे डीसी साहब की परमिशन के बिना आना होगा। और एक बार और मैं आपको बता दूं कि जो मरीज थे उनको दवाइयां गवर्नमेंट की तरफ से फ्री दी जाती हैं, लेकिन उन्होंने इंजेक्शन बाहर से लाए और उन बीच में एक बंदा जो था वो बोल पड़ा कि आप दवाई अंदर से क्यों नहीं दे रहे हो, जो एक्सीडेंटल मरीज होते हैं उनके लिए दवाई अंदर से होगी। तो उसके बाद अस्पताल प्रशासन द्वारा जो दवाइयां थी वो अंदर से दी गई और जो बीएमओ थे जो कि पूरी देख रेख करते हैं उपजिला अस्पताल सुंदरबनी की, अगर उनका बर्ताव ऐसा होगा तो उस अस्पताल प्रशासन जो है उसका डिसिप्लिन कैसा होगा, इस बात से इसका अंदाजा जो है वो लगाया जा सकता है। क्योंकि जो बीएमओ सुंदरबनी थे वो भड़के हुए थे क्योंकि कुछ दिन पहले पत्रकारों द्वारा सुंदरबनी अस्पताल जो है उसकी खामियां उजागर की गई थी, एक खबर जो थी वो प्रकाशित की गई थी और कुछ चैनलों में भी वो खबर चली थी, जिससे गुस्साए बीएमओ ने मीडिया कर्मियों के साथ जो है वो बदसलूकी करने की कोशिश की गई। ब्यूरो रिपोर्ट, अर्ली टाइम्स।